जनवरी को मुजफ्फरनगर के भूतखेड़ी गांव में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और खतौली के विधायक मदन भैया की गाड़ियों में तोड़फोड़ मामले को लेकर आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 27 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ 27 जनवरी को आगरा में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व MLC सुनील कुमार चित्तौड़ मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से भी बातचीत की। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि 20 जनवरी को आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद नव निर्वाचित क्षेत्रीय विधायक मदन भैया के साथ मुजफ्फरनगर के भूखखेड़ी गांव में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गए थे। इसी दौरान उनके वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। यह तोड़फोड़ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। वह आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा चाहते हैं। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन कर प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज मैंने प्रेस के साथियों को इसलिए बुलाया है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी मुजफ्फरनगर के भूखखेड़ी खाव में एक कार्यक्रम में गए हुए थे। उस कार्यक्रम में गाँव के लोगों ने उनको बुलाया था मूर्ति के अनावरण के लिए, और उस क्षेत्र में क्योंकि हमारी पार्टी के समर्थन से रालोद के प्रत्याशी मदन भैया विधायक बने तो वो भी उपस्थित थे। क्षेत्र की जनता का धन्यवाद भी करना था। तो कार्यक्रम के दौरान ही कुछ असामाजिक तत्व उधर आए और उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी पर और पार्टी के लोगों की खड़ी हुई अन्य गाड़ियों पर 6-7 गाड़ियों पर हमला बोल दिया और उनके सारे शीशे तोड़ दिए, लाइटें तोड़ दी और सारी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया। पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद था लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना रोका गया। ये तो हम कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि उस समय कार्यक्रम में मंच पर होने के कारण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गाड़ी में नहीं थे, नहीं तो ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्व किसी के सह पर वहाँ आए और हमारे नेता की हत्या करना चाहते थे। आज 5वां दिन है घटना को, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाँव में दहशत का माहौल है, गांव के लोग प्लान कर रहे हैं। हमारी पार्टी के मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष जी के द्वारा स्थानीय प्रशासन को लिखित रूप में अवगत कराया गया कि इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी सुरक्षा हो और आगे जो भी हमारे कार्यक्रम हो, क्योंकि हम प्रशासन से परमिशन लेके करते हैं और इस कार्यक्रम की भी परमिशन थी, पुलिस प्रशासन में मौजूद था, इसके बावजूद हमलावर हमला करके भाग गए। तो हमने ये निर्णय लिया है कि 27 तारीख को इस घटना के विरोध में हम उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में धरना प्रदर्शन करेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देंगे। हमारी ये मांग है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जान की सुरक्षा के लिए तुरंत जितना जल्दी हो सकता है सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उनको सुरक्षा गार्ड दिए जाए। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी चंद दिनों में ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य सूबों में अपना संगठन खड़ा कर चुकी है। पार्टी की कोशिश देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने की है। इसी कोशिश को परवान चढ़ाने के लिए पार्टी जिला मुख्यालयों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही है। आगामी 27 जनवरी को प्रदेश भर में होने वाला आजाद समाज पार्टी का यह आंदोलन निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश का संचार तो करेगा ही। इसके साथ ही अंदरखाने राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के साथ चल रही गठबंधन की गांठ मजबूत करता नजर आएगा। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।